तकसीम आपने की, क्या आगे भी इस तरह की पहल आपकी? बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि हमारी कोशिश जैसी है ऐसी जारी रहेगी। हम हमेशा यही कोशिश करते रहेंगे, गरीब लोगों को बेनिफिट दिलाते रहेंगे। आज हमारी जो पार्टी के लीडरशिप है हमारी, ये सब एक अच्छे दिल से और नेक नीति से काम कर रहे हैं। सब लोग दिल से काम कर रहे हैं, गरीब लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, गरीब लोगों के साथ हमदर्दी कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों कुछ गांव में दौरा किया, नवे शहर वगैरह, मीरा साहब वगैरह, कुलियाँ वगैरह, चट्टा वगैरह, तो वहाँ लोगों की राशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। तो हमने इनसे वादा किया था हम आपको राशन जो देंगे। हमने कहाँ से ये लोग आए? ये आज जो चट्टा से आए हैं, आरसपुरा से आए हैं, मीरा साहब से आए हैं, कुलियाँ से आए हैं, कुछ लोग बिजनास से आए हैं। तो हम हर एरिए में दौरा कर रहे हैं, हर एरिए में जहाँ पर जो होगी समस्या, इन लोगों की पूरी कोशिश करेंगे, इनको गरीबों को इनका हक दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या लोक जनशक्ति पार्टी गरीबों में ये राशन महज इंतखाबी मंशूर के लिए करेगी या आगे भी आप लोग ये हम आज से नहीं कर रहे हैं। 2005 में हमने लोक जनशक्ति पार्टी ज्वाइन की थी, चिराग पासवान जी उस टाइम सियासत में नहीं थे, हम रामविलास पासवान जी के साथ चलते थे और पासवान जी का यही कहना था उस टाइम के गरीबों की मदद करनी है। जब देखा आपने लॉकडाउन रहा पिछले दिनों, लॉकडाउन में पासवान जी मंत्री थे, उन्होंने यही कहा कि दरवाजे खोल दो स्टोरों के, गोदामों के, कि जो गरीबों को अनाज की कमी नहीं आनी चाहिए। वो रामविलास पासवान जी थे जिन्होंने इतना राशन जम्मू कश्मीर में, हिंदुस्तान में जो राशन का दरवाजे खुले रखे, वो रामविलास पासवान जी थे। और हमेशा आप देखोगे जो गरीब लोगों की बात होती थी, गरीब लोगों की आवाज़ उठाते रहे, रामविलास पासवान ऐसी थे कि जो हर आदमी को लेकर चलते थे, हर एक को, चाहे गरीब था अमीर था, हर एक को लेकर साथ चलते थे। आज हमारी पार्टी वही काम कर रही है, गरीबों की मदद करते रहेंगे, इन लोगों की जैसे चल रही है ऐसे करेंगे। अगर हमारी सरकार आती है तो इन लोगों की हम बहुत ज़्यादा परेशानी दूर करेंगे और जो डेली बिजलियों के मसले हैं उनके भी करेंगे और बिजली पानी का जो है वो हमने कहा तो फ्री देंगे हम।